वृल्भ वृक्ष के नीचे जो लोग दीप मालिका सजाते हैं ना, 108, 208, 251 या 1100, 501 दीपक की जो दीप मालिकाएं बनाते हैं, माला की जैसी आकृति सुंदर बनाते हैं, ऐसे लोगों के लिए महादेव स्वयं तत्व ज्ञान प्रदान कर देते हैं। जो ऋषियों और मुनियों को और संतों को भी बड़ा दुर्लभ होता है वो तत्व ज्ञान। केवल बिल वृक्ष के नीचे दीप मालिका करने से, प्रेम से कहिए हर हर महादेव। तो दीप मालिका करें, बिल पत्र का वृक्ष लगाएं और उनका प्रातःकाल दर्शन करें। महादेव की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। और बताया गया कि बिल्व पत्र की शाखा थाम करके, बिल्व पत्र की जो डालियां होती हैं, पत्ते होते हैं, उसे अगर आप पकड़ करके आप उसके पत्र उतारते हो, पल्लव उतारते हो, बिल पत्र उतारते हैं, तो वह व्यक्ति सब पापों से मुक्त हो जाता है। देखो बिल्व पत्र उतारने का तोड़ने का भी एक मंत्र है। उस मंत्र से आपको बिल पत्र तोड़ने चाहिए। मंत्र आपको बता देंगे, जिनको चाहिए, सबको नहीं बताया जाता क्योंकि आप जानेंगे नहीं, पहचान ही नहीं पाएंगे। जिसको आवश्यकता है उसको हम बता देंगे। तो बिल पत्र तोड़ने से व्यक्ति सब पापों से मुक्त हो जाता है। और जो लोग बिल पत्र की वृक्ष के नीचे 11 ब्राह्मण को भोजन करवाता है उसे कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है और वह सुख समृद्धि से संपन्न होकर के भगवान के लोक में निवास करता है। 11 ब्राह्मण बड़ा पुण्य है। कभी कभी कर दिया करो, कभी नहीं तो साल में एक बार तो सावन के महीने में कर ही दिया करो। जो भगवान शिव का प्रिय मास है श्रावण मास, श्रावण। जिनको कथा की सुनने की रुचि है, सत्संग की सुनने की रुचि है, वही तो श्रावण है। श्रावण क्या है? श्रवण माने आपके कान। जिन कानों को आदत लग गई, लत लग गई है कथा सुनने की, तो वो रह नहीं पाएंगे। वही तो श्रवण है, वही श्रावण है। सावन के महीने में अच्छे अच्छे काम करिए, पुण्य के काम करिए, आपको अच्छे काम श्रवण करना अच्छा लगता है, अच्छी बातें सुनना भी अच्छा लगता होगा। आपको कोई बुरी बातें कहे तो क्या सुनना पसंद करेंगे? नहीं। आपको कोई मीठी मीठी बात करें तो आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। तो बस वही है, सावन के महीने में पुण्य करो, धर्म करो, अच्छे काम करो, दान करो और यज्ञ करो, कथा सुनो, सत्संग सुनो। तो ऐसा करने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। और ब्राह्मण को भोजन भी खीर और घी का कराना चाहिए। खीर में घी डाल करके, आजकल के ब्राह्मण घी कहाँ खाते हैं इतना है? पहले तो ब्राह्मण ऐसे ओक लगा करके घी पीते थे पानी की तरह। अब आज तो कोई 50 ग्राम घी नहीं खा सकता। ब्राह्मण क्या कोई नहीं खा सकता? ब्राह्मण तो शायद खा भी लें, ब्रजवासी ब्रज में रहने वाले भांग का नशा चक करके और चढ़ा जाएंगे, भांग की गोली खाई और घी पच गया। तो घी खाने के से भी बड़ा आपका शरीर में बल मिलता है, आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, कोशिकाएं मजबूत होती हैं। तो खीर और घी का भोजन ब्राह्मण को बिल पत्र के नीचे बिठा करके करें और श्रद्धा से उनको दक्षिणा दे करके आशीर्वाद लें। और सच बताऊं तो ब्राह्मण तो बेचारा सब कुछ दान कर देता है, जो आपको प्यार से बोल जाए, चरणों में झुक जाए, पैर छू लें और नम्रता से पेश आ जाए, तो ब्राह्मण सारे तपस्या का फल उसको प्रदान कर देता है। अच्छा सा भोजन मिल जाए, मोटी सी दक्षिणा मिल जाए, तो बस हो गया काम।
सारा पुण्य चला गया, सारी जिंदगी की तपस्या ब्राह्मण की और दक्षिणा और भोजन मीठे वचन मिल जाए, काम आपका बन गया। प्रेम से कहो हर हर। तपस्या का फल जो होता है वो शुभ होता है। तो जो व्यक्ति ऐसा करते हैं उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती, सदैव लक्ष्मी का निवास रहता है। जो लोग शिव की उपासना करते हैं वो धन्य हैं, वो कृतार्थ हैं, उनका देही धारण करना भी सफल बना गया है, उनके कुल का उद्धार हो जाता है। क्योंकि शिव गंगा, शिव का नाम गंगा है। शिव का नाम उच्चारण करने से आपको गंगा जी में स्नान का भी पुण्य प्राप्त हो गया और मोक्ष भी प्राप्त हो गया, मुक्ति भी मिल गई, भुक्ति भी मिल गई, कल्याण भी हो गया, पापों का शमन भी हो गया और घर कार्य की सिद्धि भी हो जाती है। क्योंकि कोई काम अटक, देवताओं का भी कोई काम अटक जाए ना, तो समाधान फिर महादेव के पास ही होता है, क्योंकि वो सभी देवताओं के देव हैं, महादेव आराध्य देव हैं। जहां समाधान मिल जाए वह महादेव है। तीर्थ में जाने से, मंदिर में जाने से, शुभ कार्य करने से, दान करने से, यज्ञ करने से, भंडारा करने से और कथा करने से, कथा सुनने से व्यक्ति को अथाह पुण्य प्राप्त होता है। और मैंने कल आपको निवेदन किया था, पुण्य ये ना हो कि आपने पुण्य इकट्ठा कर लिया, चलो 10 दिन कर लिया, 1 महीना कर लिया, हमारा बहुत पुण्य हो गया, से काम चल जाएगा, ऐसा नहीं। जैसे आपने मान लीजिए दृष्टांत के लिए, आपने 1 लाख रुपए कमा लिए और 1 लाख रुपए कमा करके आप घर में बैठ गए, आपने सोचा मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, अब मेरा 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना निकल जाएगा, आराम से गुजर जाएगा। अब धीरे 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 वो आपका 1 लाख में से 90,000 रह गए, 80 रह गए, फिर आपके 70 रह गए, फिर 60 रह गए, फिर 50 रह गए, फिर 40 रह गए, फिर 30 हो गए और फिर उसके बाद 20 हो गए, फिर 10 आए, 10 में से 5 रह गए, फिर 2 रह गए, 3 रह गए, फिर बाद में 0 हो गया। आपने जो एकत्र करके रखा वह नष्ट हो गया, खत्म हो गया, आपके खर्चे के अनुसार खत्म हो गया, फिर और आवश्यकता। बस वैसे ही आप ये मत सोचो कि हमने बस 1 दिन कथा में चले गए, 2 दिन कथा में चले गए, पुण्य मिल गया, हमारे पाप धुल गए, ऐसा नहीं है। आपने किसी को गाली दे दी तो आपका पुण्य क्षीण हो गया, आपने किसी को उल्टा बोल दिया आपका पुण्य नष्ट हो गया, आपका पुण्य कम हो गया, आपने किसी का दिल दुखा दिया आपका पुण्य कम हो गया। धीरे 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 वह पुण्य आपका नष्ट होता चला जाएगा और फिर आप पुण्यहीन हो जाओगे, आप दरिद्र बन जाओगे, आप लक्ष्मी से हीन हो जाओगे, आप दुखी हो जाओगे। इसलिए पुण्य करते रहना चाहिए नित्य प्रति। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।